हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक न्यू टॉक शो वीडियो के साथ वापस आया हूं और इस वीडियो में जो हमारा कंटेंट रहेगा वो बहुत ज्यादा पॉपुलर यानी कि मैक्सिमम व्यूज वाला कंटेंट रहेगा। उसके बारे में कुछ बातें अनकहीं सी है, कुछ अनसुनी सी है और शॉकिंग भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा और कैसी कैसी बातें और क्या क्या टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ सबसे पहले दीक्षा शर्मा, बीएनएफ टीवी से हमारा भाई। ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी के बारे में। जी हाँ, जो मोस्ट अवेटेड यानी कि मोस्ट एक्साइटेड मूवीज के माने जाने वाली मूवीज, जिसके लिए एक्साइटमेंट लोगों की नेक्स्ट लेवल थी। हालांकि अभी तक आया कुछ नहीं था, सिर्फ एक पोस्टर रिलीज हुआ था और हमारे मूवी रिव्यूज वाले ने इतना धमाका मचा दिया कि यार इस मूवी में कुछ खास है। और ट्रेलर और टीजर, ट्रेलर रिलीज होने के बाद 1.5 मिनट के ट्रेलर में 38 शॉट्स के बाद, 50 BGMs के बाद, 4 से 5 डायलॉग्स के बाद ट्रेलर का जो रिव्यू लोगों ने दिया है टोटली ब्लश। मेरा जो रिव्यू था यार, जब मैंने इनका रिव्यूज देखा तो मैं बहुत ज्यादा शॉक था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने जब ट्रेलर खुद जाके देखा तो मेरा भी रिएक्शन अजीब ही था, क्योंकि यार या तो ये एक स्ट्रेटेजी है। उस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो में बने रहे। और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन हमारी दीक्षा मैडम से। तो दीक्षा मैडम, मैंने आज तक आपके मुंह से प्रभास के लिए तारीफ पे तारीफ, आप तो बहुत बड़े फैन होंगे, लेकिन इसके बाद भी आपका रिएक्शन इतना अजीब क्यों था? क्योंकि मैंने आपके वीडियो में भी देखा, प्रभास एज लॉर्ड राम 0% फिट लग रहे हैं इस टीजर में। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन टोटल फेलियर है। राम जी को हर बात पे मुंह फुलाए मैंने तो कभी नहीं देखा। अगला क्वेश्चन बीएनएफ भाई आपके लिए, कि आपके हिसाब से 500 करोड़ का कवर अप इसमें हुआ ही नहीं हुआ? क्योंकि यार जिस तरह से इसकी इनकी रिप्रेजेंटेशन है और 450 करोड़ की सारे बातें कर रहे हैं कि उस तरह का नहीं है वो, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि 450 करोड़ इसकी वैलिडिटी थी? पिक्चर बना रहे और उसके अंदर मेजॉरिटी शॉट्स के अंदर तुमको सीजीआई वीएफएक्स डालना ही है, फिर भाई 500 करोड़ का बजट कुछ नहीं आता। मैडम इस बार मैंने सुना है कि आपने सैफ अली खान की तारीफ करी है, क्योंकि यार पिछली मूवी यानी कि पिछला जब वो रिव्यू दिया था सैफ अली खान का, उसमें आपने कुछ ज्यादा तारीफ नहीं करी। ऑनेस्टली प्रभास से ज्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे सैफ को एज रावण देखकर हो रहा है। कम से कम नेगेटिव कैरेक्टर के साथ वो जस्टिस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बेचारे को फालतू का हेयर कट अलग से चिपका दिया। एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आप सैफ अली खान को क्या बोलना चाहोगे यार, क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है यार, मेरे को बड़ी पसंद है। आप क्या बोलना चाहोगे? सैफ अली खान का जो रावण है वो जिसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं उसको मैं ड्रैगन बोल रहा हूं, चमगादड़ मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपने अपने रिव्यू में ये बोला था कि एक्टर की सारी गलती नहीं है, असली विलन तो कोई और है। इस आदि पुरुष के असली विलन इसके डायरेक्टर हैं। ओम राउत, क्या किया सर आपने? कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का सर पर चढ़ना मतलब ऐसे बचकाने प्रोजेक्ट्स पे पैसे बर्बाद करना। आपके हिसाब से वीएफएक्स में क्या कमी रही है और वीएफएक्स में जो कमियां हैं आपके हिसाब से क्यों है वो? देखो 3D मॉडल्स वो लोग यूज करते हैं और ऐसे 3D मॉडल का यूज करके एक्चुअल सीन बनाने में बहुत सारा एनिमेशन लगता है। हर एक जो मूवमेंट होती है वो उनको एनिमेट करनी पड़ती है कि एक सेकंड में हाथ यहाँ से यहाँ तक जाएगा। भाई एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दो यार वीएफएक्सिंग का ना, क्योंकि विदाउट एग्जांपल तो समझ आएगा ही। इस वाले शॉट का एग्जांपल ले लो जिसमें ये कैरेक्टर बहुत ही फास्ट स्पीड में जा रहा है, लेकिन एक बार उसने रस्सी से अपना हाथ छोड़ा तो अगले 4-5 फ्रेम तक उसका मॉडल हिलता भी नहीं। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे? पैसे लेते हैं घर चले जाते हैं बस। और फिल्म के मेकर्स का पूरा ध्यान ऑडियंस का सेटिस्फेक्शन या फिर सिनेमा की क्वालिटी पे नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे लाइक्स और व्यूज के रिकॉर्ड्स बनाने पे है। और चढ़ाओ इन लोगों को सर पे, आप सोचते हो ना हमारी हिस्ट्री को बड़े पर्दे पे दिखाएंगे, फिल्म के मेकर्स कितने एक्साइटेड होंगे। घंटा। तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा कि उनकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अभी तक जनता के सामने सबको बैड शो कर दो, यानी कि बकवास घटिया चीजें दिखा दिखा के लोगों के जुबान पर चढ़ा दो कि आदि पुरुष। लेकिन बैड का रिजल्ट आप देख ही रहे हो, कहीं लाखों करोड़ों बंदों के जुबान पे आज आदि पुरुष का टॉपिक चिढ़ा हुआ। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छी लगे। और भी टॉक शोज लेके आएंगे और भी टॉपिक्स उठाएंगे यार।